साल 2012 में आए टीवी शो एक वीर की अरदास वीरा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में रणविजय सिंह का किरदार निभाकर मशहूर हुए चाइल्ड आर्टिस्ट भावेश बालचंदानी ने जिस तरह से अपनी समझदारी के साथ खुद को पर्दे पर पेश किया उसे आज भी कोई भूल नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, आप उस समझदार चाइल्ड आर्टिस्ट भावेश बालचंदानी के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और कैसे इन्होंने छोटे पर्दे पर इतना बड़ा नाम कमाया है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताकर इन सवालों का जवाब देंगे। पर इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत छोटी सी उम्र में टीवी का मुस्कुराता चेहरा बने अभिनेता भावेश बालचंदानी को आज किसी अलग पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफी कम समय में बहुत बड़ा नाम कमाया है। पर अगर बात करें इनकी फैमिली हिस्ट्री की, तो इनके घर की शुरुआत होती है इनके पिता मिस्टर बालचंदानी से, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। लेकिन वो काफी छोटी उम्र में मिसेस चंदानी से शादी कर बेटे भावेश बालचंदानी के पिता बने हैं। पिता के बाद बात करें इनकी मदर मिसेस बालचंदानी की, तो एक हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर रहती है, पर उनकी एक ही तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए बालचंदानी परिवार के सबसे खास सदस्य भावेश बालचंदानी की, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 2001 को सूरत गुजरात में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में साल 2009 में आए रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की प्रतियोगिता में पहली बार भाग लिया था, जिसके बाद इन्हें साल 2011 में आए शो फुलवा में युवा बाबू के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, जहां से कम ही लोग इन्हें जानने पहचानने लगे थे। और फिर इसके बाद इन्हें साल 2013 में आई फिल्म एक थी डायन में काम करने का सुनहरा मौका मिला था। लेकिन इन्हें सबसे बड़ी कामयाबी साल 2012 में आए पॉपुलर टीवी शो एक वीर की अरदास वीरा से मिली थी, क्योंकि इसमें इन्होंने रणविजय सिंह की भूमिका इतनी खूबसूरती से अदा की थी कि इसके बाद इन्हें साल 2015 में आई फिल्म हमारी अधूरी कहानी, टीवी शो क्राइम पेट्रोल और बाल कृष्णा जैसे सीरियल मिले थे। इसी के साथ आज इस साल 2018 में आए शो तेनाली रामा के साथ अपने करियर को विराम दे चुके हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आज ये सिंगल हैं और अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज ये काफी फेमस ब्लॉगर बन चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एक्टर भावेश बालचंदानी के परिवार का इतिहास जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।